धर्म परिषद के बाद स्वामी विवेकानंद जी पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए। स्वामी विवेकानंद जी इतने पॉपुलर हो गए कि उन्हें अलग अलग लोग अपने घर पर बुलाने लगे। बहुत लोगों ने उन्हें घर पर बुलाया। ऐसे ही एक बार अमेरिका के बहुत रईस आदमी ने स्वामी विवेकानंद जी को अपने घर पर बुलाया। उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन किया। उसके बाद वह स्वामी विवेकानंद जी को बोला कि आप यहाँ पर आराम कीजिए स्वामी। बड़ा सा कमरा, बड़ा गद्देदार मुलायम सा बेड था। स्वामी जी जैसे ही बेड पर बैठे और तभी उनके मन में एक विचार आया कि मेरी माँ आज भी जमीन पर सो रही होगी। आज भी कम से कम 25 करोड़ भारतीय लोग जमीन पर ही सो रहे होंगे जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, तो उन्हें मैं ऐसा छोड़कर बिस्तर पर कैसे सो जाऊँ। तो स्वामी विवेकानंद जी उसी दिन जमीन पर ही सो गए और उसके बाद उन्होंने कभी किसी का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। भारतीयों की इतनी चिंता थी स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी के इन महान विचारों के लिए मेरा शत शत नमन।